हेलो नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सम्स और आप देख रहे हैं मेरे चैनल सॉल्विंग सम्स। तो कैसे आप सब लोग, स्वागत है मेरे चैनल सॉल्विंग सम्स में। तो आप सब अच्छे होंगे और सेफ होंगे। तो हाजिर हूं मैं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें आपको बताने वाला हूं यूट्यूब में जो होता है थंबनेल वो कैसे बनाया जाता है। और एक बात, मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें आप इंस्टाग्राम फॉलोअर फ्री में बढ़ा सकते हैं। तो वो वीडियो आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिए और मेरे चैनल सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना थंबनेल यूट्यूब के लिए कैसे बनाते हैं। तो पहले आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है पिक्सल लैब। मैं इसी ऐप का यूज़ करता हूँ अपना थंबनेल यूट्यूब के लिए बनाने के लिए। तो सर्च करते ही आपको इस तरह का एक आइकन आ जाएगा, ऐप है, और मैं इसे पहले से डाउनलोड कर रखा हूँ। तो आप भी डाउनलोड कर लीजिए और आगे का प्रोसेस देखिए। तो इसे ओपन कर लेता हूँ मैं। ओपन करते ही आपको इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ आपको बहुत सारा फीचर्स, बहुत सारा एडिटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या है। यहाँ पे आपको बहुत सारे बैकग्राउंड मिल जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड है। और यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन मिलता है, डिलीट का ऑप्शन मिलता है, कॉपी है, टू फ्रंट है, टू बैक है, पोजीशन आप एडजस्ट कर सकते हैं, रिलेटिव पोजीशन एडजस्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट का जो साइज़ होता है उसे आप एडजस्ट कर सकते हैं, कलर है यानी कि जो फॉन्ट का कलर, इसमें जो आप जितना देख रहे हैं इसे जो फॉन्ट का है, फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, टेक्सचर है, फॉन्ट, यहाँ पे बहुत सारा फॉन्ट मिल जाता है आपको, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। ये ऐप फ्री है आपके लिए, डाउनलोड कर सकते हैं, पर यहाँ पे प्रीमियम वर्जन जैसा आपको फील आएगा, सब कुछ आपको प्रीमियम जैसा मिलेगा। तो देख सकते कितने सारे फॉन्ट यहाँ पे फ्री में आपको मिल जाते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि थंबनेल जो है कैसे बनाते हैं। सिंपली आपको यहाँ पे जो रेड थ्री डॉट जो मिल रहा है उस पर क्लिक कर लेना आपको, और यहाँ पे यूज इमेज फ्रॉम गैलरी पे क्लिक कर लेना है। तो क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मैं डाउनलोडेड वॉलपेपर जो है उसे यूज़ करने जा रहा हूँ। तो आप कोई सा भी डाउनलोड वॉलपेपर जो है यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है, मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करते ही इसे आप ओके कर दीजिए, और यहाँ पे सबसे पहले आप इसका जो इमेज का साइज़ है थ्री डॉट पे जाके चेंज कर लीजिए। तो यहाँ पे जो कस्टम है उसे मैं यहाँ पे देख सकते हैं, यूट्यूब थंबनेल दिया हुआ यहाँ पे ऑप्शन, उसे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करते ही आप फिर उसे ओके कर दीजिए, और यहाँ पे जो बैकग्राउंड है आपका, बैकग्राउंड रेडी हो चुका है। तो चलिए यहाँ पे मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट इंटर कर देता हूँ। तो जो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक कर लेना है, और यहाँ पे टेक्स्ट आप एडिट कर सकते हैं। तो चलिए मैं एडिट कर लेता हूँ टेक्स्ट मेक। करके ओके कर दीजिए, फिर ओके कर दीजिए, और फिर से आपको एक टेक्स्ट ऐड करना है। तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए जो प्लस साइन है यहाँ पे उसे क्लिक करके टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन है, करेंट डेट का ऑप्शन है, स्टिकर है, सेव्स है, फ्रॉम गैलरी है, ड्रॉ है। टेक्स्ट मैं फिलहाल यहाँ पे ऐड करता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक और टेक्स्ट आ चुका है, फिर इसे एडिट कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं हाउ ऐड कर देता हूँ और ओके कर लीजिए, और यहाँ पे फिर से आपको एक टेक्स्ट ऐड कर लेना है, फिर से एडिट कर लीजिए, ओके कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको जो जो लिखना है यहाँ पे पहले आप एक साथ अरेंज कर लीजिए।
इसी तरह आप जो भी लिखना है आपको टाइप कर लेना पहले, थंबनेल यहाँ पे लिख लेते हैं। जो जो मुझे लिखना है यहाँ पे आ चुका है, तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ हाउ टू मेक थंबनेल। तो अब चलिए टेक्स्ट को एडिट कर लेते हैं। यहाँ से आप ऐसे भी साइज को एडजस्ट कर सकते हैं, या यहाँ पे जो टेक्स्ट साइज दिया हुआ है उसे भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए प्लस साइन पे क्लिक करने से टेक्स्ट का साइज बड़ा हो रहा है, बिग हो रहा है, तो ओके कर लीजिए। मैं यहाँ पे 124 रख लेता हूँ इसे, और टू का साइन भी 124 रख लेता हूँ। तो देख सकते हो 124 हो चुका है। ओके पे क्लिक कर थंबनेल जो लिखा हुआ है उसे मैं एडिट कर देता हूँ। इसे भी मैं साइज इंक्रीज कर देता हूँ। चलिए यहाँ पे साइज इंक्रीज हो गया। अब आते हैं फॉन्ट में। अब इसका जो जो फॉन्ट हमको इंटर करना है, इनपुट करना है, उसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो चलते हैं यहाँ पे, आपको फॉन्ट मिल जाता है। तो मुझे ये फॉन्ट जो अमरंथ बोल्ड जो है, ये फॉन्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए। ये देख सकते हैं यहाँ पे हो गया है अप्लाई। टू में भी सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लीजिए। देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो टेक्स्ट का जो फॉन्ट है ये चेंज हो चुका है। अब मैं टेक्स्ट का जो बैकग्राउंड है वो आपको बता देता हूँ कैसे अप्लाई करना है। तो पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ए में ऑप्शन जो है उसी में नीचे चल जाना। तो यहाँ पे देख सकते हैं बैकग्राउंड आपको मिल जाता है। तो बैकग्राउंड पे क्लिक कर लीजिए और इनेबल कर दीजिए। इनेबल करते ही आपको जो बैकग्राउंड कलर देना है, तो मैं यहाँ पे रेड देता हूँ। रेड हो चुका है देख सकते हैं आप। और यहाँ पे लेफ्ट पैड लिंक, राइट पैड लिंक, टॉप पैड लिंक, बॉटम पैड लिंक को आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसे कुछ नहीं करता हूँ, अभी इसे अप्लाई कर देता हूँ। टिक पे जो है सेलेक्ट कर दीजिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरा सब अप्लाई हो चुका है। तो अब मैं फॉन्ट का जो कलर है वो डाल देता हूँ। तो जो आपको फॉन्ट का कलर डालना है पहले उसे फॉन्ट को सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे कलर का ऑप्शन है, कलर पे सेलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पे येलो डाल देता हूँ, तो यहाँ पे येलो आ चुका है, और फिर ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कलर इनपुट कर दिया है। अब मैं चलिए आपको फॉन्ट को थोड़ा और भी अच्छा बना के दिखा देता हूँ। तो इसी में आपको नीचे कर लेना है, और यहाँ पे स्ट्रोक का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो चलिए स्ट्रोक अप्लाई भी कर लेते हैं, इनेबल कर लीजिए। देख सकते हैं यहाँ पे जो येलो कलर है उसका आउटलाइन आप देख सकते हैं ब्लैक हो चुका है। तो स्ट्रोक का वेट को थोड़ा बढ़ा लेते हैं, तो मैंने बढ़ा लिया है। मैंने इसे 8 सेलेक्ट कर लिया है। तो आपको सबको साइज स्ट्रोक वेट का सेलेक्ट कर लेना है और सब में अप्लाई कर देना है। तो चलिए मैं अप्लाई कर देता हूँ। मैं दे रहा था सब में अप्लाई हो चुका है, और मैं इसे थोड़ा और भी अट्रैक्टिव बनाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे शेडो जो ऑप्शन है उसे क्लिक कर लीजिए, और इसे भी इनेबल कर दीजिए। तो देख सकते हैं थोड़ा और भी ये अट्रैक्टिव लग रहा है। सब में आप अप्लाई कर दीजिए, और यहाँ पर जो शेडो का जो ऑप्शन है यहाँ से भी आप कलर चेंज कर सकते हो। शेडो का भी कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे स्टॉक वीट का कलर चेंज किए थे वैसे शेडो का कलर भी चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू हो गया है, ब्लैक हो गया है, पर यहाँ पे मैं ब्लैक यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पे कर दिया हूँ, और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे मैं साइड में अपना जो फोटो है वो दूंगा। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना फ़ोटो जो है अप्लाई कर देता हूँ। तो फोटो यूज़ करने के लिए आपको सिंपली प्लस साइन पे क्लिक कर लेना है, और यहाँ पे फ्रॉम गैलरी पे क्लिक कर लेना है। देख सकते हैं ये पेज रिडायरेक्ट हो गया है मेरा फोन स्टोरेज पे, और ये देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोटो आ चुका है। तो इसे
से भी सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे अपना साइज एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे साइज एडजस्ट कर लिया हूँ और यहाँ पे आप फोटो को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाते हैं, तो फोटो को पहले जो सेलेक्ट कर लीजिए। और एक बात दोस्तों, अभी तक जो मैं यहाँ पे फ़ोटो यूज़ किया हूँ उसे मैं PNG में बनाया था पिक्स आर्ट में। तो आपको PNG बनाना नहीं आता तो कमेंट करके बता दीजिए कि आपको PNG बनाने वाला वीडियो चाहिए, तो मैं वीडियो भी बना के बता दूंगा कि कैसे PNG बनाया जाता है। फिलहाल यहाँ पे मैं फ़ोटो को सिलेक्ट कर लिया हूँ और चलते ये जो आप हेक्सागन जैसा मिल रहा है उसे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करते ही आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा स्टॉक का, स्टॉक पे क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे इनेबल कर दीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आउटलाइन आ चुका है, तो मैं यहाँ पे येलो आउटलाइन यूज़ करूँगा। तो देखिए यहाँ पे आउटलाइन जो मेरे फ़ोटो का है येलो हो चुका है और स्टॉक विड्थ को थोड़ा मैं इंक्रीज़ कर लेता हूँ। देख सकते कितना अट्रैक्टिव लग रहा है ये थंबनेल, तो इसे सिंपली आप टिक कर दीजिए। और भी बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो चलिए ये मेरा थंबनेल कंप्लीट हो चुका है और आप इसे अपना YouTube वीडियो का थंबनेल में लगा सकते हैं। तो इसे आप सेव करने के लिए 3 डॉट पे जाना है आपको और एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, एक्सपोर्ट इमेज का जो ऑप्शन है इसे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेव टू गैलरी का ऑप्शन आ चुका है, सिंपली आपको सेव टू गैलरी।